साहब आपने यहाँ क्यों रुकवाया? यहाँ तो चारों तरफ जंगल जंगल है, यहाँ कहाँ रुकोगे आप? अबे ओए, अपना काम से काम रख, पकड़ पैसे। हाँ मुझे क्या, कहीं भी जाओ। चाचा जी अब यही रुकिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहीं रुकता हूँ। एक मिनट बाबू जी, ये आदमी कौन है? ये हमारे गांव में रहता है बेटा। अरे बहुत अच्छा इंसान है, इसने मुझे बोला है कि शहर में मुझे मेरे बेटे से मिलवाएगा। पर आपको आपके बेटे से मिलवाने के लिए इसकी क्या ज़रूरत? वो क्या है ना बेटा, जब वो छोटा था तो मैंने गुस्से में उसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया और वो घर छोड़ के चला गया और वो अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन ये बोलता है कि मेरा बेटा इसी के पास रहता है और मैं इसे हर महीने पैसे भेजता हूँ, ये मुझे मेरे बेटे से मिलवा देगा। और बेटा मेरी ज़िंदगी में तो ये फरिश्ता ही बन के आया है, मैंने तो अपने बेटे से मिलने की उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन इसने मेरे अंदर उम्मीद जगाई कि मेरे बेटे से मुझे मिलवा देगा। अच्छा बाबूजी, मैं ना अभी चलता हूँ, वो मुझे कुछ काम है, आप अपने बेटे से मिलना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, मैं यहीं खड़ा हूँ, उसका वेट करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। बड़ा बेवकूफ़ है ये बुड्ढा, उसे क्या लगता है कि मैं उसके बेटे को जानता हूँ? ना 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 ना, अरे ऐसे ही हर महीने इससे पैसे लेता रहूँगा। जरा सी स्टोरी पता करी और मेरा काम हो गया, अब भटकता रहेगा इधर से उधर, ना गांव जा सकता है और ना यहाँ रह सकता है। खैर मुझे क्या। कितने रुपए हो गए भैया? 50 रुपए हो गए मैडम। 50 रुपए? लेकिन यहाँ तक के तो सिर्फ 30 रुपए लगते हैं ना, आप 20 रुपए ज्यादा क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं मैडम, 50 ही लगते हैं और मैंने इनको पहले ही बताया था। आ दे देना 50 रुपए, दिक्कत कहाँ आ रही है? ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? चुपचाप से इसको 30 रुपए दो, मैं अच्छे से जानती हूँ जैसे लोगों को। अरे तुम इतना गुस्सा मत करो यार, मुझे पैसे दे दो। लो भैया रुको, पकड़ो, चलो। अरे यार लेकिन ये गलत है। चलो तो, ये तो गलत बात है। अरे मीम साहब को फोन, मीम साहब अब क्या है, और फालतू के पैसे चाहिए क्या तुझे? एक बार बोला ना तुझे, फालतू के पैसे नहीं है हमारे पास, चले जाए यहाँ से। अरे नहीं मैम साहब, आप गलत समझ रहे हो, मैं पैसे मांगने के लिए नहीं बुला रहा, ये आपका फोन यहाँ गिर गया था। मेरा फोन? देखा श्वेता कितना उल्टा बोल रही थी तुम इसको, और देखो ये कितना ईमानदार है। श्वेता कभी भी किसी को इतनी आसानी से गलत साबित नहीं करना चाहिए, और श्वेता जो फोन छूटा है ना कहीं हमारी गलती से छूटा है, इसी को कर्मा कहते हैं। हम इसके साथ गलत करने वाले थे, ऊपर वाला हमारे साथ गलत करने जा रहा था, लेकिन हो सकता है हमारे कभी के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो इन्होंने ईमानदारी दिखाई और हमें ऐसे ईमानदार इंसान मिले। अब खड़ी क्या हो यार, माफ़ी मांगो अपने गुनाहों के इनसे और पैसे दो इन्हें। भैया माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे उल्टा सीधा बोला, ये लीजिए आपके पैसे। अरे मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पैसे दिए, और थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई, आपने तो उल्टा हमारी हेल्प ही की है। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि आप जैसे ईमानदार लोग आज की दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। ऐसी अपनी ईमानदारी को हमेशा बरकरार रखना भाई, ख्याल रखना, मिलते हैं भाई। मैडम ये आपका सामान लाओ दो। पेमेंट हो गई थी भैया? हाँ पेमेंट तो हो गई मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए देती हूँ। आप कौन हैं और क्या काम करते हैं आप? बेटा मैं यहाँ पास वाले स्टोर पे ही काम करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कहीं देखा है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नितिन है। आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बेटा हम तो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कैसे पहचानूंगा? मैं आपका बेटा शेखर हूँ पापा। शेखर पापा? बेटा मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पापा मैं भी आपके लिए तड़प गया था। तुझे पता है, अरे तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पापा क्या हालत हो गई आपकी,
मैं अच्छा लड़का हूं ही नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छा है, शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। आप बहुत अच्छे हैं, आप तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। मैं उस वक्त बचपन में गुस्से में चला गया था, लेकिन मैं आया था पापा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हमारे गांव वाले घर पे ताला लग चुका था। बहुत ढूंढा आपको, पूछा गांव वालों से आपको कुछ पता है पापा के बारे में, लेकिन किसी को आपका नहीं पता था। पापा बहुत मिस किया आपको मैंने। बेटा तेरे जाने के बाद ना मैंने तुझे बहुत ढूंढा, अरे मैं तेरे पीछे कहाँ कहाँ नहीं भटका, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन ये सब मेरे घमंड के चक्कर में हुआ है, अरे मेरी ही वजह से, इस सब का कसूरवार मैं खुद हूँ। पर बाबा आप दिल्ली कैसे आए और आपकी ये हालत कैसे हुई? मेरे बाबूजी तो हंसते खेलते रहते थे और उनकी एक अलग ही शांति, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया पापा? अरे बेटा इस सब का जिम्मेदार ना मैं खुद हूँ। असल में तुझे ढूंढते ढूंढते एक लड़का मिला, अरे उसी ने मुझे दिल्ली बुलाया, उसने मुझे खूब पैसे लिए, उसे बोला कि वो मुझे तुझसे मिलवाएगा, लेकिन उसने मुझे तुझसे मिलवाया नहीं, मुझे यहाँ दिल्ली में बेसहारा छोड़ दिया। और बेटा मैं धर धर की ठोकरें खाता रहा, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, हार कर मुझे एक स्टोर में मामूली से नौकरी करनी पड़ी। पापा इस सब के लिए माफ कर देना, हाथ छोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे, और आप चिंता ना करो, आपके बच्चे ने आपको दुख दिया, आपका बच्चा आपको अब सुख की घड़ियां भी देगा। आपके आशीर्वाद से थोड़ी बहुत तरक्की कर ली है मैंने, ये मेरा घर है, अब आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, और मैं वादा करता हूँ पापा कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा आपको। आप पहली बार घर आए, मैं आपको घर दिखाता हूँ ना, आओ आओ पापा। क्या बात है मेरे भाई, न्यू वॉच? अरे वॉच छोड़ भाई, मोबाइल भी नया है। तू जॉब वॉब तो करता नहीं है, दिन भर बस ऐसे ही रहता है, फिर भी तेरे पास पैसे हमेशा रहते हैं, तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? तू मेरे दोस्त से, मैं तुझे बता रहा हूँ, एक बुड्ढा है, उसका बेटा ना बचपन में गुस्सा होकर भाग गया था, मुझे उस बुड्ढे के बेटे की और उसकी कहानी पता लग गई, तो मैंने ठान लिया कि मैंने उसको बेवकूफ़ बनाना है। मैं उस बुड्ढे के पास गया और मैंने उसको बोला कि मैं तेरे बेटे का दोस्त हूँ। वो बुड्ढा भोला भाला था, अरे मान गया मेरी बात। फिर मैंने अपना कायापन दिखाया, फिर मैंने उसको बोला कि तेरे बेटे को इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, बस उससे पैसे लेता रहा। हर महीने ना बुड्ढा मुझे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 देता रहा। वो बुड्ढा भी कम चलाक नहीं, मुझे ये कहने लगा कि मैं पैसे तेरे को तभी दूंगा जब तू मुझे मेरे बेटे से मिलवाएगा। लेकिन मैं भी बड़ा चलाक हूँ, मैं उसको दिल्ली लेकर आया और दिल्ली की सड़कों पर उसको छोड़ दिया, फेंक दिया उसको। अरे वो बुड्ढा भटक रहा होगा दिल्ली की सड़कों पर कहीं ना कहीं। पर भाई तू जो भी कर रहा है बहुत ज्यादा गलत है, ऐसे किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या गलत किया भाई, पैसे के लिए हरे हरे नोटों के लिए करना पड़ता है ये सब। पर जो भी हो भाई, जो तू कर रहा है वो गलत ही है। अरे शेखर बेटा मैं क्या कह रहा था, वो प्लॉट। अबे तू शेखर बेटा ये यहाँ क्या कर रहा है इंसान? पिताजी आप इसे कैसे जानते हो? अरे शेखर बेटा यही है वो इंसान जो तेरे नाम से मुझसे बहुत पैसे लूट चुका है। अरे इंसान मुझे बोलता था कि मुझे मेरे बेटे से मिलवाएगा, लेकिन इंसान ने ना मुझे कभी तुझसे मिलने ही नहीं दिया। खड़ा हो, बता क्यों क्या तूने मेरे बाबूजी के साथ ऐसा, शांत क्यों, बता। भाई मुझे नहीं पता था ये तेरे पापा है, वरना मैं इनके साथ कभी ऐसा नहीं करता। अरे तेरी गलती माफी के लायक है ही नहीं। वो बूढ़े इंसान दिन रात तड़पते रहे अपने बच्चे की आश में कि तूने उनके बच्चे से मिलाएगा, उनके पास पैसे होते भी नहीं होंगे लेकिन तेरे को पैसा कहीं से भी इकट्ठा करके देते रहे, लेकिन तू पत्थर दिल इंसान साले शर्म नहीं आई तेरे को, उन्हें ही लूटने लगा। कोई तेरे बाप के साथ ऐसा करेगा तो तेरे को कैसा लगेगा? अरे तेरा दिल फटने को हो जाएगा ना, तो तू
तू कैसे किसी के बाप के साथ ऐसा कर सकता है? यार भाई मुझे माफ कर दे, गलती हो गई यार मुझसे। गलती? इसे गलती कह रहा है तू? गुनाह है ये, गुनाह। जहां आज कई लोग इतना पुण्य कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वहीं तू जैसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें काम धंधा कुछ नहीं करना है, दूसरों को लूटना है। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत से कमाओ ना, क्यों किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो? मेरी बात ध्यान रखियो, भोले इंसान के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इंसान का कभी भला नहीं होता। वैसे तो कभी भी किसी भी इंसान के साथ बुरा करना ही नहीं चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं इंसान इंसानियत को शर्मसार कर देता है। अरे बेटा मार, इस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए जिसने मेरे साथ गलत किया। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। यार भाई तू भी मुझे माफ कर देना। माफी? अब तेरी तो शक्ल से भी नफरत हो गई है मुझे, ऐसे दोस्त बना रखे हैं यार। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना जान से मार दूंगा तुझे। निकल जा, बता रहा हूं। अच्छा आप किसी काम से आए थे शायद? अरे शेखर वो प्लॉट देखने कब चले? जी शाम को चलते हैं। ठीक है बेटा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या किसी भोले भाले इंसान के साथ, किसी शरीफ इंसान के साथ छल करना, धोखाधड़ी करना सही है या गलत? आप लोगों को जो भी लगता हो वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। बेसिकली इस कहानी में हमने ये देखा कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग भोले भाले लोगों को फंसा देते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। वैसे तो धोखाधड़ी किसी के भी साथ की जाए तो गलत ही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंसान पाप कर रहा होता है, और पाप करके इंसान कभी भी पुण्य का फल पाता ही नहीं है। मतलब घर में खुशहाली नहीं आ सकती, घर में शांति नहीं रह सकती, और जब घर में खुशहाली नहीं होगी, घर में शांति नहीं होगी, तो घर घर नहीं रहता। अगर घर में खुशहाली चाहिए, घर में शांति चाहिए, तो हमेशा अच्छे काम करें और कभी भी किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।